नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सदाबहार के पौधे से होने वाले फायदों के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस पौधे को सदाबहार नाम क्यों दिया गया है। इसे सदाबहार का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधा साल के 12 महीने फूल देता है। सदाबहार के फूल देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतना ही ये गुणकारी भी है। आइए जानते हैं सदाबहार के पौधे का प्रयोग हम कैसे करें ताकि बीमारियों से बच सकें। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि मधुमेह रोगियों के लिए सदाबहार की पत्तियां रामबाण है। इसके लिए एक करेला, एक खीरा, एक टमाटर को गर्म पानी में धोकर जूस निकाल लें। उसमें सदाबहार के 5-7 फूल और नीम की 4-5 पत्तियां भी पीसें और इसका सेवन करें। इससे डायबिटीज कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। साथ ही इसका सेवन करने से पेशाब खुलकर होगा, किडनी की परेशानी में थोड़ा आराम मिलेगा और शरीर के विजातीय तत्व भी निकलने में मदद मिलेगी। अगर आपको ततैया आदि ने काट लिया है तो इसके लिए सदाबहार के पत्तों का रस निकालकर उस जगह पर लगाएं। इससे सूजन और दर्द में काफी राहत मिलेगी। जिनको त्वचा संबंधित परेशानी है जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी और गुमड़ी है उनके लिए सदाबहार बहुत ही लाभकारी है। वे अगर सदाबहार के 2-3 पत्तों को चबाकर या सुखाकर खाएं तो इससे रक्त की शुद्धि होगी और फोड़ा फुंसी की परेशानी दूर होने में मदद मिलेगी। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में सदाबहार की जड़ बहुत लाभकारी मानी गई है। इसके लिए 100 ग्राम सदाबहार की जड़ और 400 ग्राम मिश्री मिलाकर पाउडर बना लें और सुबह शाम खाली पेट 1-1 चम्मच इसका सेवन करें। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होने में फायदा हो सकता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, हताश हैं, तो इसके लिए सदाबहार की 2-3 पत्तियों और थोड़ी सी जड़ को पानी में उबालकर सुबह खाली पेट पिएं। इसका रोजाना सेवन करने से मोटापा से राहत मिल सकती है। आप इस नुस्खे का प्रयोग डायबिटीज में भी कर सकते हैं। जिनको घाव है, पस निकल रहा है, घाव भर नहीं रहा है, तो वो लोग अगर सदाबहार की जड़ को घिसकर घाव पर लगाते हैं तो घाव भरने की संभावना बढ़ जाएगी। शाइनी और घने बाल किसे नहीं चाहिए? आज आपको शाइनी और घने बालों के लिए दो नुस्खे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करें शाइनी बालों की, तो इसके लिए सदाबहार के फूल और पत्तों को धोकर पीस लें और उसका रस निकाल लें। अब इस रस में नारियल तेल और कैस्टर ऑयल मिक्स करें और इसी के साथ नींबू का रस भी डाल दें। इसे अपने स्कैल्प में लगाएं और अच्छी तरह मसाज करें। 5 मिनट तक मसाज करने के बाद किसी अच्छे शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। अब बात करते हैं घने बालों की, तो इसके लिए सबसे पहले सदाबहार के फूलों को अच्छी तरह धो लें। इन फूलों को धोने के बाद मिक्सचर में डाल दें। इसके साथ एलोवेरा को डालकर पेस्ट बना लें। आप चाहें तो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पेस्ट में कैस्टर ऑयल और नारियल तेल को मिक्स कर दें। इस मिश्रण का उपयोग बालों और जड़ों में करें। 1 घंटे बाद शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। 3 से 4 बार इसका उपयोग करने से आपको फायदा नजर आने लगेगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप सदाबहार के पौधे की जड़ को निकाल लें और सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद जड़ को दांतों से चबा चबा कर रस निकाल कर निगल लें। ऐसा आपको 15 दिनों तक करना है, आपको आराम मिलेगा। आप मुहासों से बहुत परेशान हैं। आप बहुत सारे साबुन, क्रीम और फेस वॉश का इस्तेमाल भी कर चुके हैं लेकिन किसी से भी कोई असर नहीं पड़ा है, तो बस सदाबहार के फूल और पत्ते को पीसकर एक चुटकी हल्दी में मिलाकर मुहासों पर इसे दिन में 2 बार लगाएं। ऐसा करने से आपके चेहरे पर हुए मुहासे में आराम मिलेगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपने सेहत का ख्याल। नमस्कार।